तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के खुरने वीडियो में। देखिए, आज मैं अपने YouTube के कमेंट्स पढ़ रहा था कि मेरे भाइयों ने देखूं क्या क्या कमेंट कर रखा है वीडियो में। तो मुझे अधिकतम मतलब जो कमेंट थी इससे देखने को मिली कि भाई आप ये बताइए जो हमारा पेपर है वो कब होगा हमारा, दिसंबर तक। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं दिसंबर में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले साल पेपर होगा। देखिए, मैं आपका ये डाउट आज मैं सारा खत्म कर दूंगा अगर आप मेरी ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे ना, और आखिर तक सुनेंगे, तसल्ली से बैठ के सुनोगे। तो मैं ये इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा इससे रिलेटेड, फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं होने इस का। चीज को समझने के लिए हम 2018 में चलते हैं, जब लगभग 1 लाख वैकेंसी एक साल के अंदर निकली थी यूपी पुलिस की, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उस वक्त मैं 11वीं क्लास के अंदर था और मेरे गांव से कई मेरे भाई जो साथी है वो भर्ती हुए थे उसमें। तो जब मेरी उनसे बातचीत अभी भी होती रहती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है अंदर महकमे में, तो भाई वो कहते हैं कि एक भी पद खाली नहीं यहाँ पे। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी ना पुलिस को, वो सारे पद भर लिए उन्होंने। उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी पता क्या करी, 1 साल में 1 लाख भर्ती निकाल दी टोटल, उससे सारे पद भर मतलब भरी है उनके। जब भी आप देखते हो कि 2018 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं रही, उसका कारण यही था कि भाई बहुत दिन तक पद खाली नहीं रहे। एक भाई 1 लाख वैकेंसी थोड़ी नहीं होती, अगर आप 1 लाख कर्मचारी किसी भी महकमे के अंदर एक साथ भेजोगे ना तो भाई अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए उसकी भी। तो वो कह रहा था कि भाई यहाँ पे जो पद खाली नहीं बच रहे हैं। और चलिए, आप मेरी बात का विश्वास मत करिए, मैं आपको दो कारण भी बताता हूँ कि पद खाली क्यों नहीं है, और अब आप सारी बात समझते चले जाओगे यहाँ से। देखिए, मैं जब से मैंने होश संभाल लाया, लगभग वैकेंसी के बारे में समझना थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करा इनके बारे में, मैंने कभी नहीं देखा, एक दो बार छोड़ के कहता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी 40,000 से नीचे वैकेंसी आई हो। लगभग 40,000 वैकेंसी तो हर बार आती थी यूपी पुलिस की, लेकिन इस बार शुरुआत में पिछले साल 26,000 वैकेंसी आई थी केवल। ठीक है ना, पहला कारण तो ये है, और ये भी मजबूरी में निकालनी पड़ी थी इनको सीएम के इलेक्शन के चक्कर में, क्योंकि मुख्यमंत्री के विधानसभा के इलेक्शन थे इसलिए इनको निकालनी पड़ेगी मजबूरी में। और दूसरी बात यह है कि भाई उसके अंदर कोई पीएससी का पद ही नहीं था। मेरे लगभग दो दोस्त पीएससी के अंदर है, वो यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई पद खाली ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती अब आके निकले ही आपके, वरना 26,000 की वैकेंसी के अंदर आपके पीएससी के पद भी नहीं थे। तो आप इन चीजों साइड अभी लगा सकते हैं कि भाई अभी वाकई में अभी पद की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, मैं आपकी बात, चलो मैं आपके बात को ऊपर रख देता हूँ, मैं मानता हूँ कि चलो भाई दिसंबर तक पेपर करवा लेंगे ये, या फिर 3 महीने के अंदर पेपर करवा लेंगे, और मान के चलता हूँ कि फरवरी मार्च तक पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, 8-10 महीने बहुत होते हैं किसी भर्ती को। अब मान लो पूरी भी करवा ली उन्होंने भर्ती, मार्च तक हो गई, 2023 के मार्च तक ये भर्ती पूरी हो गई। अब आप एक बात बताइए, 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन है, सब जानते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई भर्ती ना निकले, समझते हैं ना, क्योंकि भाई इलेक्शन है, भर्ती तो जरूर आएगी। लेकिन अब भाई मैंने आपको पहले से बता दिया कि भाई पद की बिल्कुल भी कमी नहीं है, यहाँ पे रिक्त पद है ही नहीं अंदर कोई भी खाली। तो अब ये बताओ, ये भर्ती निकाल लेंगे कहाँ से, अगर इन्होंने अभी ये 35,000 वैकेंसी भर भी दी, फिर पद कहाँ से निकाल लेंगे दूसरे। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ये कोशिश है कि इस भर्ती को ये 2024 तक खींच के ले जाए, ताकि इस भर्ती का लाभ ये लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में उठाकर वहां से वोट का फायदा उठा सके। आप मेरी बात लिख के ले लीजिएगा, जो भी कोई वीडियो बना रहा है ना कि 3 महीने के अंदर पेपर होगा फिर दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, देखिए मैं अपने तरफ से जितना मेरा गणित कहता है ऐसे ही होगा, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। आप एक बात बताओ, कभी आपने देखा है कि कोई किसी भर्ती की टेंडर प्रक्रिया 3-4 बार आगे खिसका दी गई हो? अरे सब कंपनी को प्रॉफिट होता है, सब कंपनियां भाग भाग के कूदती है ऐसे ऐसे मामले के अंदर, तो सबको प्रॉफिट चाहिए भाई। तो ये जानबूझ के पीछे हटा रहे इस भर्ती को, ताकि इस भर्ती को खींच खींच के 2024 तक ले जाए, और उसके अंदर इनको इस भर्ती का लाभ उठाए, ताकि इनको दूसरी भर्ती ना निकालनी पड़े इसके अलावा। समझिए मेरी बात को। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट और कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। चलिए, मिलता है अगली वीडियो में कभी, और तब तक के लिए जय हिंद।